लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चौपाल एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गए हैं। देहरादून के ग्रामीण सीलिंग की भूमि पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय को स्थापित करने का विवाद और बढ़ गया है। मामले में एडीएम द्वारा कानूनी कार्रवाई करते हुए पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चौपाल को नोटिस भेजा गया। उन्हें कार्यालय आकर अपना जवाब देने को कहा गया था। अब बिशन सिंह चौपाल ने इस पूरी कार्रवाई को षड्यंत्र बताते हुए मामले से खुद का पल्ला झाड़ लिया है। देहरादून भाजपा के मुख्यालय के लिए खरीदी गई जमीन सीलिंग की निकली। मामला खुलने के बाद हड़कंप मच गया और आनन फानन में प्रशासन की तरफ से भी कार्रवाई शुरू कर दी गई। भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री रहे विधायक बिशन सिंह चौपाल की इस दौरान मुश्किलें खड़ी हो गईं। दरअसल भाजपा प्रदेश मुख्यालय के लिए खरीदी गई जमीन बिशन सिंह चौपाल के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पार्टी ने ली थी। क्रेता के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चौपाल का नाम उस दौरान दर्ज किया गया। ऐसे में बिशन सिंह चौपाल को भी नोटिस भेजा गया। पार्टी कार्यालय के लिए एडीएम के प्रशासन के कार्यालय से नोटिस मिला था, तो उस नोटिस का जवाब देने के लिए कल हम पार्टी के हमारे माननीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, हमारे कोषाध्यक्ष और अन्य महामंत्री पदाधिकारी के साथ बैठक हुई, तो उसका नोटिस का उत्तर देने के लिए मैं अभी 11 बजे यहाँ पर बैठा था। जो एडीएम के द्वारा प्रशासन की ओर से जो नोटिस मिला वो व्यक्तिगत बिशन सिंह चौपाल सन ऑफ श्री नारायण सिंह चौपाल के नाम से मिला, जबकि रजिस्ट्री हुई है बिशन सिंह चौपाल सुनाम नारायण सिंह प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बलबीर रोग इस नाम से रजिस्ट्री हुई, तो दाखिल खारिज में भी इसका नाम चला हुआ है। तो बहुत सारे लोग और दाखिल खारिज में भी इसका नाम चला हुआ है। इसके साथ इसके लिए खाता खतौनी के साथ साथ दाखिल खारिज भी हुआ है और इसका नक्शा प्लान भी पास हुआ भवन। तो ये जो भूमि जिस प्रकार से पत्रकारों में मीडिया में जिसको पढ़ने को मिला विवादित है, ये कहीं भी विवादित भूमि। शनिवार को बिशन सिंह चौपाल ने देहरादून अपर जिलाधिकारी को एक ऐसा पत्र भेजा जिसने इस मामले में और बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। विधायक बिशन सिंह चौपाल ने अपर अधिकारी को नोटिस के जवाब में लिखे पत्र में कहा कि खरीदी गई जमीन उत्तराखंड भाजपा मुख्यालय के रूप में ली गई थी। इसके खरीदार उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट है, इसलिए नोटिस भी उन्हीं के नाम से जाना चाहिए था। बिशन सिंह चौपाल ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि पूरे देहरादून जिले में ना तो उनके पास कोई इंच भर जमीन है और ना ही उनके रिश्तेदारों के नाम से कोई जमीन खरीदी गई है। विधायक बिशन सिंह चौपाल ने अपनों पर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में उनका नाम हटाते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नाम से आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। विधायक बिशन सिंह चौपाल कहते हैं कि वो 6 बार से लगातार विधायक हैं, लेकिन पहली बार जब वो विधायक बने थे उस समय उनके पास जितनी संपत्ति थी आज भी उतनी ही संपत्ति मौजूद है। ऐसे में उनके कुछ अपने, कुछ मित्र और चाहने वाले उनको इस मामले में बेवजह घसीट रहे हैं। बिशन सिंह चौपाल ने कहा कि उक्त जमीन को चाय बागान की जमीन बताया जा रहा है, जबकि MDDA ने इस जमीन पर नक्शा भी पास कर दिया है। चौपाल ने कहा कि अगर इस जमीन पर कोई विवाद होता तो MDDA ने कैसे नक्शा पास कर दिया। यदि विवादित भूमि होती तो दाखिल खारिज क्यों चला, आपका नक्शा पास हुआ। उसी के बगल में लगी जो भारतीय जनता पार्टी को जो भूमि आवंटित की गई है उसी के बगल में एक भूमि प्रबंधक समिति राज्य सरकार की होती है, उसके तहत पेट्रोल पंप को उसको भूमि आवंटित की गई है। जब पेट्रोल पंप को भूमि आवंटित कर सकते हैं तो अन्य संस्थाओं को भी तो वही भूमि आवंटित किया जा सकता है, तो आवंटित किया जा सकता है, तो ये कहाँ पर इस प्रकार से भूमि विवादित है, इस प्रकार से कहीं भी भूमि विवादित है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में वो जल्द कानूनी सलाह लेने वाले हैं, जिसके बाद अधिकारियों की भूमि की भी जाँच कराई जाएगी। देखो उस समय के अधिकारियों की क्या थी गलती, इस समय के अधिकारी, ये तो सारे जांच का विषय है। कानूनी जो है राय लेने के बाद ही हम बता पाएंगे कि गलती किसकी है। चौपाल जी का एक नेचर है वो बड़े स्पष्ट हुआ, क्या लगता है अधिकारियों की गलती की जांच करेंगे? बिल्कुल, कानूनी राय लेने के बाद जांच करने के बाद पता चलेगा जिस अधिकारी की गलती उसको दंड मिलना चाहिए, इस प्रकार की गलतियां न हो भविष्य में। विधायक बिशन सिंह चौपाल के अपनों पर आरोप लगाने के बाद मामला खूब चर्चाओं में है। उत्तराखंड में भाजपा सत्ता पर काबिज है, ऐसे में उनकी ही पार्टी के एक विधायक को इस तरह नोटिस मिलना और विधायक का इसे षड्यंत्र के रूप में देखना बेहद चौंकाने वाला है। इसी के साथ ये विचारणीय विषय भी है। अब देखना होगा कि भाजपा आलाकमान इसे किस रूप में लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, K24 न्यूज। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक
आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए।